हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो स्वागत करते हैं डी आराधना की दुनिया में। तो मेरे दुनिया में देखिए, एक मेरा बच्चा देखिए सब मतलब अभी सो रहा है। दोपहर का बज रहा है 1:30। और हम आज कुछ नया बनाने वाले हैं, पहली बार लाइफ में पहली बार। और याद भी नहीं है कि कभी हम मतलब बनाते हुए देखे हैं, लेकिन फिर भी सोचे कि चलो मम्मी से सुने तो चिक्की उसी बिरानी से मिल लीजिए, मेरी चूहा पकड़ने आ गई। तो हम मतलब मम्मी से सुने हैं, बनाते हुए भी नहीं देखे हैं। हाँ, ये है कि खाए हैं, इतना याद है कि अच्छा लगता है। तो वो चीज़ क्या है हम दिखाएंगे। उससे पहले अगर मेरे वीडियो पे मतलब मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और बेल आइकन घंटी फैमिली फ्रेंड में वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दिखाते हैं क्या है। सुबह में ही लाए थे, जब ये लोग के लिए मछली लाते हैं तो उसी समय लाए थे। और ये लोग को मछली बना के चिकन और मछली दोनों लाए थे। तो दोनों बना के खिला दिए इन लोग को। और उसके बाद उसको हम जब लाए थे तो धो के रख दिए फ्रीजर में और हम भुला गए थे। अभी हमको याद आया है कि वो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए तो जल्दी उसको दिखाते हैं क्या है। तो देखिए, यह है मछली का अंडा। मछली का अंडा है। और इसमें देने के लिए क्या क्या बनाना है? लहसुन है और धनिया है और ये काला सरसों है, 6-7 मिर्ची है और जीरा मिर्च है। इसको पीसेंगे, एक ही साथ पीसेंगे, क्योंकि मतलब थोड़ा सा अलग अलग नहीं पिसाएगा, क्योंकि मिक्सी जार। और देखिए, चूहा को खाने के लिए आटा और रोटी दिए हैं ताकि मेरा डब्बा नहीं बर्बाद करे, नहीं तो उसको खाने के लिए इधर नहीं मिलेगा तो डब्बा काट देगा। तो इसलिए उसको अलग से निकाल के रख दिए हैं ताकि वो मेरा डब्बा कम से कम बर्बाद ना करे। बाकी सामान को तो बर्बाद कर ही रहा है, सारा डब्बा को नहीं काट दे खाने के चक्कर में, तो इसलिए उसको अलग निकाल के रख दिए हैं। और एक चीज़, इसमें बेसन डाल के बनता है, लेकिन हमको याद नहीं था, बेसन हमारे पास नहीं है, तो आज हम मैदा डाल के बनाएंगे। मतलब ज़्यादा मैदा नहीं देंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मैदा डाल के बनाते हैं तो कैसा लगता है। क्योंकि बेसन डाला हुआ बना हम बना मतलब मम्मी बनाई है तो हम खाए हैं, लेकिन लगभग कम से कम तो 12 साल पहले खाए होंगे, लेकिन याद है कि अच्छा लगता था। तो आज मैदा डाल के बनाएंगे। तो आप लोग भी बताइएगा कि कैसा बना है, ठीक है? फिर चलिए, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो मसाला पिसा गया है, देखिए मसाला, और इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे। तो थोड़ा सा मसाला इसमें डाल रहे हैं, मसाला पीस लिए हैं, और इसको बाद इसको मिलाएंगे। और ये मसाला हो गया, और नमक स्वाद अनुसार इसमें जितना, क्योंकि ग्रेवी में भी डालेंगे। और ये बेसन जो है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही, बस इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि मछली में प्याज डालते हैं, लेकिन प्याज नहीं डालना चाहिए। मम्मी लोग बोलती है कि प्याज में डालने से क्या होता है, मछली में जहर हो जाता है, तो इसलिए मतलब हार्मफुल होता है, शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो इसलिए नहीं डालना चाहिए प्याज। तो हम कभी प्याज नहीं डालते हैं, सरसों ही डालकर बनाते हैं। आप पोस्ता डाल के बना सकते हैं, सरसों डाल के बना सकते हैं, राई डाल के बना सकते हैं, काला वाला राई, पीला वाला राई डाल के बना सकते हैं, लेकिन प्याज नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो हार्मफुल होता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है, जहर हो जाता है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो देखिए, तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे, ये मिला लिए हैं, अब इसमें डालेंगे, छोटा छोटा एकदम डालेंगे, ताकि पहली बार बना रहे हैं, उड़ रहा है बहुत ज़्यादा तेल से।
पता नहीं कौन सा मछली का है, ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन कैसा बनता है और कौन कौन ये रेसिपी देख के बनाने वाले हैं, कौन कौन पहले खाए हैं अंडा का पकौड़ा, ज़रूर बताइएगा। किन किन लोगों को पसंद है, हमें तो बहुत पसंद है, और आप लोगों में कौन कौन को पसंद। आँख में पड़ गया मेरा तेल, तो देखिए डाल दिए हैं और इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ओके, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए थोड़ा सा भुंजाया है, छना गया है और दो तीन हम खा चुके हैं, बहुत टेस्टी है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और क्या बोलता है देखिए, और छना रहा है और बहुत तेल उड़ रहा है, मेरा दो तीन जगह है जो हाथ जल गया है और ये सब में लग गया है, और ये बहुत टेस्टी है। और उधर भुंजा भी रहा है, इधर हम खा भी रहे हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। जो नहीं बनाए हैं कभी और नहीं खाए हैं, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, अच्छा लगेगा। मन कर रहा है कि ऐसे ही खा जाए, भुना हुआ ही अभी ही खा जाए, लेकिन नहीं, मसाला पीसे हैं तो ग्रेवी बनाएंगे ही, तो देखते हैं ग्रेवी वाला कैसा लगता है। देखिए मसाला भुना गया है, मसाला में हम तेल नहीं डाले थे, जो छना के बचा वही तेल में कर दिए, क्योंकि हम तेल ऐसे बहुत ज़्यादा खाते हैं, सोचे कि इसको चलो भाई ऐसे ही बनाते हैं, मतलब ज़्यादा जो बचा हुआ है तेल उसी में से बनाते हैं, तेल डालते नहीं हैं। और ये भी थोड़ा सा ही है, ज़्यादा है नहीं, क्योंकि आधा तो खा गए हम। अब देखिए ग्रेवी खोल रहा है, अब इसको ना इस या तो आप ऐसे दो भाग कर दीजिए, या तो इसको इस तरीके से दाब दीजिए, ताकि ये ऐसे हम दो भाग कर देते हैं ताकि अंदर तक इसमें मसाला का फ्लेवर जाए, तो हम इसको दो भाग कर देते हैं। और इतना रखते हैं खाने के लिए, इतना डाल दिए, 5 मिनट में ये हो जाएगा। अब इसमें जीरा मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, अब इसमें इसको थोड़ा सा, 5 मिनट में ये हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम देंगे तो इसको क्या होगा कि ये गल जाएगा। 5 मिनट और ग्रेवी ठीक है, थोड़ा सा और 5 मिनट लगेगा तो गाढ़ा हो ही जाएगा, मतलब अच्छा है, मेरे लाइक ग्रेवी अच्छा है। तो देखिए बन के रेडी हो गया, अब इसको बनाते बनाते थक गए हैं तो अभी तो खाएंगे नहीं, खाएंगे आधे घंटे बाद, चलते हैं अब आराम करने। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।